पक्ष स्थापना दिनानिमित्त MIM तर्फे मोठ्या जल्लोषात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. सोलापूर MIM च्या वतीने 66वा वर्धापन दिन मिठाई वाटप करून साजरा करण्यात आला. यावेळी राजकीय घडामोडीवर बोलताना MIM चे जिल्हा प्रमुख फारूक शाब्दी यांनी सोलापूर लोकसभेसाठी MIM जिंकणारा उमेदवार देऊ शकते. अगर सोलापूर लोकसभेची जागा राखवी नसती तर लोकसभेचा मी उमेदवार राहिलो असतो अशी महत्त्वपूर्ण माहिती शाब्दी यांनी दिली आहे. आज बहुत खुशी का दिन है. आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 66वां स्थापना दिवस है. तो मैं इस दिवस पर तमाम हमारे MIM पार्टी के जितने भी लोग हैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि अब तक जैसे 66 साल में उन लोगों ने अपना खून पसीना एक करके पार्टी को बढ़ाने का काम किया, ऐसे ही आने वाले दिनों में भी हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए ऐसी ही कोशिश करते रहेंगे. इन चार सीट जब असद साहब ने बोले हैं तो उनके दिमाग में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी. अफसोस की बात यह है कि हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिजर्व सीट है, नहीं तो फारूक शाब्दी यहाँ से ज़रूर असद साहब का सिपाही बनकर यहाँ से रिंग में उतरा होता. लेकिन अभी चालू है, अभी चाचपनी चालू है. मैं अगर SC नहीं होता तो मैं खड़े होता मैपुर में, ऐसी बात नहीं है. अभी SC का उम्मीदवार देख रहे हैं और अच्छा उम्मीदवार दिखे मिलेगा हमको. टक्कर देने वाला नहीं, जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए हम लोगों को. तो अगर वैसा सोलापुर से तो ऐसा उम्मीदवार मिलेगा तो हम लोग ज़रूर उसकी उम्मीदवारी देंगे. लेकिन सोलापुर MIM चे जिल्हा व शहर प्रमुख फारूक शाब्दी यांचं आगमन होताच मोठ्या जल्लोषात त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. हम तुम्हारे साथ है. फारूक शाब्दी तू मागे बढो. हम तुम्हारे साथ है. असद साहब तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ है. असद साहब तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ है. अकबर साहब तुम आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ है. यावेळेस MIM पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.